दिवाली की क्लीनिंग में हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम डेकोरेशन को तो भूल ही जाते हैं। और जब हम डेकोरेशन के बारे में सोचते हैं और मार्केट से हम कोई डेकोर आइटम लेने जाते हैं तो वो इतनी कॉस्टली होती है कि हमारे बजट में नहीं आती। ऐसे में हमारा मूड खराब हो जाता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका मूड बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे डेकोरेशन आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो इतने इजी है कि हर कोई दिवाली के लास्ट मिनट में भी इसे कर सकता है और इसके साथ साथ ये बजट फ्रेंडली भी है। आज के डेकोरेशन के लिए जो जो मुझे सामान चाहिए वो सब मैंने एक जगह पर रख लिया और आज की जितनी भी डेकोरेशन है वो कॉर्नर डेकोरेशन है। तो जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसके लिए मैंने ये लिए हैं रोज़ पेटल और घर के जिस कॉर्नर को हम डेकोरेट करना चाहते हैं उस कॉर्नर पर सबसे पहले हम रोज़ पेटल से स्टार्ट करेंगे। रोज़ पेटल से हाफ सर्कल बनाएंगे और उसके बाद मैंने ली है मैरीगोल्ड फ्लावर की लीव्स। रोज़ पेटल के बाद इन लीव्स को भी इसी सर्कल शेप में हम सेट करेंगे। और जो थर्ड लेयर होगी वो होगी रोज़ पेटल की। और फोर्थ लेयर हम फिर से लेंगे मैरीगोल्ड फ्लावर की। और जो फिफ्थ लेयर होगी वो होगी पीपल के पत्तों की। पीपल के पत्तों को भी इसी सर्कल शेप में मैंने सेट कर दिया और पीपल के पत्तों के एजेस पर एक एक मैंने मैरीगोल्ड फ्लावर रख दिया और इन्हीं मैरीगोल्ड फ्लावर के बीच बीच में मैंने रखी है टी लाइट कैंडल। और दिवाली डेकोरेशन में तो कैंडल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लावर डेकोरेशन एक ऐसी आर्ट है जो ना केवल घर को सुंदर बनाती है इसके साथ साथ घर में पॉजिटिविटी भी लाती है। इसकी जो भीनी भीनी महक आती है वो ख़राब मूड को भी मिनटों में अच्छा कर देती है। तो ये देखिए कॉर्नर डेकोरेशन का फाइनल लुक। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मैंने ली है आर्टिफिशियल ग्रास। इस ग्रास के ऊपर मैंने रखी है एक मटकी। इसी मटकी के ऊपर मैंने रखी है एक दूसरी मटकी जिसे मैंने टेढ़ा रखा है और इन दोनों मटकियों के चारों ओर मैंने रोज़ पेटल की एक लेयर बना दी और रोज़ पेटल के चारों ओर मैंने रखे हैं मैरीगोल्ड फ्लावर। मैरी गोल्ड फ्लावर के बाद जो लेयर होगी वो होगी रोज़ पेटल की। और उसके बाद मैरी गोल्ड फ्लावर की लीव्स को मैं कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन में सेट करूँगी। और सबसे लास्ट में रख दूंगी एक एक रोज़। इन रोज़ के बीच में एक एक रखूंगी मैं टी लाइट कैंडल। और ऊपर की साइड में भी कुछ टी लाइट कैंडल रख देंगे। और मटकी के अंदर मैंने रखी है एक बैटरी ऑपरेटर लाइट। इस प्रकार की जो डेकोरेशन होती है वो एक कॉर्नर में जान डाल देती है और दिवाली के लास्ट मिनट में भी इस डेकोरेशन को फटाफट से कर सकते हैं।
थर्ड प्रोजेक्ट के लिए मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड का खाली बॉक्स। ये बॉक्स सीधा खड़ा रहे इसके लिए मैंने इसमें कुछ हैवी स्टोन डाल दिए हैं। इसके बाद इसके चारों ओर मैरीगोल्ड फ्लावर को हम सेट करेंगे। इसके चारों ओर मैरीगोल्ड फ्लावर को सर्कल शेप में घुमाते हुए कार्डबोर्ड को हम पूरा मैरीगोल्ड फ्लावर से कवर कर देंगे। फ्लावर से कवर करने के बाद इसे कॉर्नर में सेट कर देंगे और इसके ऊपर मैंने उल्टा करके एक बास्केट को रख दिया और इस बास्केट के ऊपर मैंने रखी है एक मटकी और नीचे की साइड में इसके चारों ओर रोज पेटल से एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद इसके चारों ओर मैरीगोल्ड फ्लावर को सेट करेंगे। और जिस बास्केट को हमने उल्टा करके रखा था उसके होल में इस प्रकार से हम रोज फंसा देंगे। और जो हमने मटकी रखी है उसके अंदर हम लाइट्स डाल देंगे और नीचे के साइड में मैंने कुछ दिए रखे हैं। और अब देखिए इसका फाइनल लुक। इस वीडियो में मैंने जो मटकी यूज़ की है वो मटकी मैंने खुद से पेंट की है। इनकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इनकी वीडियो के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो के डेकोरेशन आइडियाज़ आपको कैसे लगे। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।